Dear students, today we are going to talk about important questions and answers of chapter number 10, A Mild Attack of Locusts. Questions and their answers. Dear students, question number 1 is, what are locusts? Locusts kya hai? Ji. Dear students, locusts are winged migratory African and Asian insects. ये हिजरत करके आए हुए विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं, हशरात होते हैं. दे फ्लाई इन स्वॉर्म्स, फ्लाई इन स्वॉर्म्स, लश्कर की सूरत में ये उड़ते हैं एंड हॉट कंट्रीज में ये पाए जाते हैं. ये करते क्या हैं? दे डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स. Yes, question number 2. Why did the farmers throw wet leaves on fire? Ji, kisan geele patte aag pe kyun phenk rahe the? Students, jab wahan pe bahut sare locust aa gaye to kisanon ne kya kiya? Apne apne khet ke gird aag jalai aur un pe geele patte phenke. Kyun phenke? Taaki wo us smoke ki layer bana sake mazid और उस स्मोक को एक्रेट यानी कड़वा और मजीद जो है घना बना सके. जी, दे थ्रो वेट लीव्स टू मेक द फायर एक्रेट एंड ब्लैक. क्वेश्चन नंबर 3. What was the desire of every farmer? As we have already discussed that locusts destroy all the crops, so every farmer desired that locusts may overlook their farm. कि शायद locusts जो हैं वो उनके farm को नज़रअंदाज कर दें and go on to the next और अगले खेत की जानिब बढ़ जाएं. Question number 4. Did Margaret know what to do to help others? जी, dear students, Margaret did not know. Margaret नहीं जानती थी कि वो दूसरों की मदद के लिए क्या करे. वो कर क्या रही थी उस दौरान? She was just receiving the calls and answering the phone calls. No, she did not know. वो नहीं जानती थी what to do to help them. And she just answering telephone calls. Question number 5. What was the condition of trees? दरख्तों की हालत क्या थी? Dear students, दरख्तों की हालत because of locusts बहुत बुरी थी और वो मुकम्मल साकिन लग रहे थे और उनके ऊपर एक भी पत्ता ना था. Even that बहुत सारे दरख्त ऐसे थे जिनकी शाखें टूट चुकी थी. जी, condition क्या थी? They were looking queer, strange, still, sakin. Their buffs were thickened with insects. Insects means locust. How did Stephen treat the stray locust? Old Stephen ke upar jab ek stray locust aake giri, स्ट्रे लॉकस्ट, अवारा टिड्डा जब उसके ऊपर एक आके गिरा तो उसने क्या किया?
जी, ओल्ड स्टीफन ने उस टिड्डी को पकड़ा, ही पिक्ड इट picked up and split it with his thumbnail. अपने अंगूठे के नाखून से उसने उसको कुचल दिया और वो जो स्ट्रे लॉकस्ट थी वो अंडों से भी भरी हुई थी. जी, what are hoppers? जी, hoppers बेटा लॉकस्ट से different होते हैं. ठीक है, लॉकस्ट आर ग्रोन अप इंसेक्ट्स बट होपर्स आर नॉट ग्रोन अप. दे आर यंग वंस. डिड मार्गरेट होपलेस? नो, मार्गरेट डिड नॉट होपलेस. She was a woman of courage. No, she did not hopeless. हमने देखा कि वो even telephone calls को answer कर रही है, वो जवाब दे रही है लोगों की बातों को, वो इन सब चीजों से घबराई नहीं है. She was not hopeless, but hoped. वो even ये भी कहती है कि अगर ये जो इलाका है, कंट्री साइड है जहाँ पे लॉकस्ट ने हमला किया है, अगर ये खंडर नहीं है तो फिर खंडर क्या है? इट मीन्स अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चीज़ों को दोबारा से रीप्लांट किया जा सकता है. व्हाई लॉकस्ट कंपेयर्ड विद बैड वेदर? बिकॉज जैसे मौसम जो है उसका खतरा सर पे मंडलाता रहता है, इसी तरह लॉकस्ट का खतरा भी सर पे मंडलाता रहता है, ये किसी भी वक्त दोबारा आ सकते हैं. लॉकस्ट पास्ड ओवर लाइक द बैड वेदर, बट किसी भी वक्त वो दोबारा भी अटैक कर सकते हैं. व्हाई डिड द मेन ईट देयर सुपर विद गुड एपेटाइट्स? जी, आदमियों ने खाना शाम का क्यों जी भर के खाया? क्योंकि उन्होंने सारा दिन बहुत ज़्यादा वर्क किया था, ड्यू टू हार्ड वर्क. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे. सो दे ईट देयर सुपर विद गुड एपेटाइट्स. डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे.